क्यों तो बांधों को डेस्परेट फैशन के उसके चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस्लामियात के एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूँ और ये तमाम एमसीक्यूज पीपीएससी एफपीएससी एनटीएस और दीगर पास्ट पेपर से लिए गए हैं। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बढ़वा पहुँचती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हैं, बिफोर इस्लाम मोस्ट ऑफ द अरब वर्शिप, इस्लाम से पहले अरब के लोग किस चीज़ की इबादत किया करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आइडल्स यानी के बुतों की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज, अल्लाह ताला के पहले पैगंबर का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द होली प्रॉफिट वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस इस्लामी मंथ में विलादत हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है रबीउल अव्वल में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु फ्रॉम द फॉलोइंग सेव द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बैटल ऑफ ओहद, जंगे ओहद में गज़वे ओहद में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक किन्होंने बचाई थी? किस सहाबी ने? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, When was Makkah conquered by the Holy Prophet? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को कब फतह किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 हिजरी को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, When was Qibla changed? किबला कब चेंज हुआ था बैतुल मक़दस से खाना काबा की तरफ? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 हिजरी को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द टोटल नंबर ऑफ सूरा इन होली कुरान इज 114, 114 कुरान पाक में टोटल सूरतों की तादाद है, जबकि द नंबर ऑफ मक्की सूरा एंड मदनी इज, मक्की और मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? जिसका करेक्ट आंसर है 28 जो है वो मक्की की, जबकि 86 मदनी सूरतों की तादाद है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु कंक्वर्ड द लास्ट फोर्ट ऑफ खैबर, खैबर का किला किन्होंने फतह किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत अली बिन अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच डे इज नोन एज सईदुल अयाम, सईदुल अयाम किस दिन को कहा जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है फ्राइडे को यानी कि जुम्मा को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सिन विच विल नॉट बी फॉरगिवन इज, वो कौन सा गुनाह है जो माफ नहीं किया जाएगा? जिसका करेक्ट आंसर है शिर्क, यानी कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को बराबर समझना शिर्क कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हु मेड शिप वाज हजरत, वो कौन से पैगंबर थे जिन्होंने बहरी जहाज शिप कश्ती बनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बिल्डिंग ऑफ इस्लाम इज स्टैंडिंग अपॉन डैश पिलर्स, जो इस्लाम की इमारत है वो कितने सतूनों पर मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर है 5। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फ्रॉम विच मैटर अल्लाह क्रिएटेड द फर्स्ट ह्यूमन, अल्लाह पाक ने पहला जो इंसान है वो किस चीज़ से बनाया था तख्लीक किया था? जिसका करेक्ट आंसर है क्ले यानी कि मिट्टी से। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बर्न इन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर पैदा हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है मक्का में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन डिड ज़कात बिकम फर्ज, ज़कात जो है ये कब फर्ज हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 हिजरी को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सिंस अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए वो कौन सा गुनाह है जो सबसे बड़ा गुनाह है? तो इसका करेक्ट आंसर है शिर्क। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ज़कात इज़ ऑब्लिगेटरी व्हेन अ मुस्लिम हैज़ वेल्थ फॉर ऑफ, ज़कात किस मुसलमान के पास कितना माल होना ज़रूरी है ताकि वो ज़कात पे पाबंद हो सके? तो इसका करेक्ट आंसर है 7.5 तोला उसके पास कम से कम होना ज़रूरी है या उसके बराबर पैसे या कोई भी माल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन विच डिवाइन बुक द होली प्रॉफिट वाज कॉल्ड फारूक, किस आसमानी किताब में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फारूक कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है होली कुरान पाक में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द होली कुरान वाज रिवील्ड थ्रू एंजल डैश टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक किस फरिश्ते के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ?
जिसका करेक्ट आंसर है हजरत जिब्राईल अलैह इस्लाम के। नेक्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर, इस्लाम के कितने बुनियादी सुतून हैं, इसका करेक्ट आंसर है 5 है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक बर्वक पहुंचती रहे। इसके अलावा कोई भी पास पेपर चाहिए या कोई भी मालूमात तो हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।